सीएम ने रोड शो में गदा घुमाई, पटवारी ने कांग्रेस कैंडिडेट से पड़वाए पैर, चौथे चरण की 8 सीटों पर प्रचार थमा, 13 मई को वोटिंग। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा इलेक्शन के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। इस चरण में शामिल 8 लोकसभा सीट देवास, अजा, उज्जैन, अजा, मंदसौर, रतलाम, अजजा, धार, अजजा, इंदौर, खरगोन, अजजा एवं खंडवा में 13 मई को मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतलाम में रोड शो करते हुए कदा घुमाई, कहा भगवान राम के राज तिलक के बाद अब विजय तिलक की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुकदमा करा दिया जाएगा। इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह समेत कई भाजपा नेताओं ने प्रचार किया। रतलाम सीएम बोले विजय तिलक की ओर बढ़ रहे। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को रतलाम में रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी अनीता चौहान के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में सीएम ने गदा भी घुमाई, आमजनों पर फूलों की वर्षा की। शहर में अनेक स्थानों पर 100 से अधिक मंच सीएम के स्वागत में लगाए गए। सीएम सुबह 11:10 पर प्लेन से बंजली हवाई पट्टी पर उतरे, यहां से वो शहर सराय स्थित शहीद चौक पहुंचे, यहां से खुले रथ में सवार हुए। रोड शो के समापन पर संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम के राज तिलक के बाद अब विजय तिलक की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ही जिन्ना की बात करते हैं, चुनाव भारत में लड़ते हैं और पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं। ऐसे कांग्रेस के गद्दारों को प्रदेश व देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। ये चुनाव भारत के भविष्य का है, ये चुनाव दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का चुनाव है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देवास संसदीय क्षेत्र में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ जनसभाओं को संबोधित किया, कहा अगर कोई बात करूंगा तो जीतू पटवारी पर मुकदमा करा दिया जाएगा। वो जज हैं देवास लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी, उसकी जज की पोशाक जज के विचार है, वो दिमाग में से ये सब निकालता ही नहीं। जनप्रतिनिधि जनता का नौकर होता है और जज जनता का मालिक, वो मालिक से जनता का सेवक बनना ही नहीं चाहता। इंदौर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के लिए सीएम ने रोड शो किया। इस दौरान विशेष रथ पर सीएम के साथ शंकर लालवानी व इंदौर के सभी विधायक मौजूद थे। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ऐतिहासिक विजय कहीं होती है तो वो इंदौर और मालवा में होती है, ऐसा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जनसभा में जैसे ही सीएम ने कांग्रेस को लेकर बोलना शुरू किया तो माइक भी बंद हो गया। इस पर सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम लिया तो माइक की भी हवा निकल गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।